सो हेलो एवरी वन एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑन माई यूट्यूब चैनल। सो अभी मैं डेली व्लॉग वैसे तो कर रही थी, लेकिन मेरे डेली व्लॉग नहीं आ पाए क्योंकि रेगुलर वैसे दो तीन दिन से ना बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और मम्मी की तबीयत भी मतलब ज़्यादा ठीक नहीं है। मम्मी पहले भी मैंने बताया था, जैसे मम्मी बीमार हैं बहुत ज़्यादा और बारिश हो रही थी। वैसे तो ये मई चल रहा है लेकिन फिर भी बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी। अभी तो देखो धूप लगी है, ऐसे ही दिखा देती हूँ। आज धूप है ना लेकिन बादल हैं, कोई पता नहीं शाम तक बारिश आ सकती है दोबारा। तो फिर मैंने मतलब मैं आपको पता है ऑलमोस्ट मम्मी के साथ ही ब्लॉगिंग करती हूँ, मम्मी होते हैं मेरे साथ सारे दिन। तो फिर मैंने सोचा यार ऐसे क्या ही दिखाऊँ मैं कि हाँ बीमार हैं ये वो, तो आपको उसमें कोई इंटरेस्ट तो था नहीं। अब क्या देखो कि मम्मी बीमार थे, अभी धूप लगी है तो मम्मी सो रहे थे वैसे, लेकिन अभी मम्मी उठ के यहाँ धूप में बैठ गए हैं। तो मैंने सोचा कि चलो आज थोड़ा बहुत ब्लॉग कर लेती हूँ। और साथ में ना आज मेरा कुछ पार्सल था वो भी आ रहा है, मैं आपके साथ आज प्रोडक्ट रिव्यू शेयर करूँगी। वैसे मैं मतलब व्लॉग ही करती हूँ लेकिन मैं प्रोडक्ट इसलिए आपके साथ रिव्यू शेयर करती हूँ ताकि मतलब अगर मेरे पैसे वेस्ट हो जाएं तो आपके पैसे वेस्ट ना हो, आप वो देखकर एटलीस्ट ये देख लो कि आपको वो प्रोडक्ट लेना चाहिए या नहीं। तो मैं ममा अर्थ के जो प्रोडक्ट्स थे, शैम्पू, कंडीशनर, ऑयल एंड ऑल दैट, वो मैं पहले भी यूज़ कर बैठी थी, तो मैं आज आपको उनके बारे में बताऊँगी। पर पहले पार्सल आने देखते हैं, आज देखते हैं उसमें क्या क्या आता है। मैंने कॉम्बो पैक मंगवाया था साथ में, मतलब आज मेरे दो तीन पार्सल हैं, आज वो आएंगे। वो डिलीवरी वाले भैया की कॉल तो आ गई थी मुझे कि आने वाले हैं, लेकिन अब देखते हैं। अभी मैंने थोड़े कपड़े वगैरह थे ये सूखने डाले और बस। और ये लगी है आज धूप, आज धूप ना पता नहीं कितने दिन बाद लगी होगी, आज धूप 5-6 दिन हो गए ना, बारिश है जरूरी जैसे बरसात है। और ये देखो आज बादल आ गए, पर शायद हो सकता है रात तक दोबारा बारिश आई क्योंकि उस साइड पर ब्लैक ब्लैक से बादल आए, उधर तो मौसम साफ है। और आज शादियाँ काफ़ी ज़्यादा हैं, जिनके घर पे शादी आज वो तो खुश हो गए होंगे कि आज तो बारिश लग गई धूप लग गई। मैंने जिनके घर शादी हो जाता है कई बार, देखो बरसात जैसा मौसम हो रखा है। पर चलो अभी हो गई है और अब मैं बना रही हूँ लंच। दाल मैंने बना दी है, चावल मैंने डाल दिए हैं और बस वो भी बनने वाले हैं। और ना देखो पेड़ों पर रज गए, ये क्या है मम्मी, ये संतरी संतरी से फूल जो लगते हैं वो वहाँ पे। हाँ मैंने बड़े सारे देखे ऐसे जगहों पर आजकल, मार्केट भी नहीं खुली हमारी, मार्केट तब खुलती है जब धूप होती है और बारिश थी, इसलिए आधे लोगों ने तो अपनी दुकानें भी नहीं खोली। तो चलो मिलते हैं खाना बना के। तो अभी जो है मैं अपना पार्सल रिसीव करके आ गई थी यार, एक तो मौसम इतना डल होता है ना तो हम भी बड़े अजीब अजीब से दिखता है, पर चलो कोई बात नहीं ऐसे ही। अब तो ये वाला जो था ये आए थे मुझे ममा अर्थ की तरफ से प्रोडक्ट, ये कि ममार्स का ही बॉक्स था लेकिन अंदर ये वाला बॉक्स था। तो मैंने ना कॉम्बो पैक मंगवाया था ममार्थ का, ओ शिट, लेकिन पहली बात तो इनकी पैकेजिंग बहुत ज़्यादा गंदी है यार। ये जो इनका शैम्पू है ना ये आई थिंक लीक हो चुका है और ये ऑयल पे लग गए हैं, पैकेजिंग में तो ये बिल्कुल बेकार है। हाँ इसका शैम्पू थोड़ा लीक हो गया, थोड़ा हुआ ऐसे ज़्यादा नहीं पर हो गया है। और कंडीशनर भी देखो इसमें दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा यहाँ से निकल गया है, ये देखो पैकेजिंग वाइज तो ये मुझे अच्छे नहीं लगे। पर चलो ये हैं, ये मुझे 3 रिसीव हुए थे अभी, मतलब मैंने देखे, मैं एक्चुअली पहले भी ऑर्डर कर चुकी थी बट अभी इनकी सेल चल रही थी तो मुझे थोड़े डिस्काउंट पर मिल गए, लेकिन पहले मैंने लिए थे तब यार बड़े एक्सपेंसिव थे ये, मतलब जिनके पास ज़्यादा पैसा हो उनके लिए नहीं है पर मेरे लिए है क्योंकि मुझे अभी मांग मांग के लेने पड़ते हैं घर से। तो मैंने ये प्रोडक्ट मंगवाए थे, तो ये ऑयल है, अरे यार हाथ गंदे कर रहा है ये पूरे। तो ये है ममा अर्थ का ऑनियन हेयर ऑयल और इसकी क्वांटिटी कितनी है, तो इंजेक्शन बंद कर दे तो मतलब हाँ उसको बंद कर दे और गैस पर रख दे, लाइट चली गई क्या हुआ, इसको बोलो कर दे, ऐसा होता है भाई, मेरे भाई हिलता भी नहीं है, इसको पता कि मैं ऐसे बना रही हूँ फिर भी नहीं। तो चलो ये है 150 ml का ये वाला, और ये अगर आप सिंगल लेते हो ना तो आपको ये पड़ता है 399 का, 400 तक पड़ता है आपको। और ये है, ये कितने ml का है, इस पे तो ml ही नहीं है कहीं पे, अच्छा ये 250 ml का है और ये भी आपको पड़ता है अराउंड 350। और ये है, ये भी आई थिंक ये भी 250 ml का है। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आई, जब मैंने बॉटल शैम्पू की ली थी ना ये, तो ये थी
मतलब सिंगल बॉटल ली थी मैंने, तो वो ली थी मैंने अराउंड 350 की और वो थी 200 ml की, बट हो सकता है ये कॉम्बो ऑफर हो तो इसमें थोड़ा ऐसा मिलता हो। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं ममाअर्थ की जो है वैसे एटलीस्ट तीन बॉटल जो है मैं यूज़ कर चुकी हूँ, लेकिन मुझे उससे कोई इफेक्ट नहीं है। मतलब ऐसा नहीं बोल सकती कि मुझे कुछ मतलब गंदा इफेक्ट हुआ इससे, मेरे बाल झड़ने शुरू हो गए या मेरे बाल छोटे हो गए, या ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन ऐसा नहीं है यार कि अब मेरी हेयर ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा हो गई या फिर मैं बोलूँ कि हाँ मेरे बाल बहुत अच्छे हो गए। इवन मुझे इसकी एक डिसएडवांटेज सबसे बड़ी ये लगी, जैसे हम कोई अदर शैम्पू करते हैं ना, हो सकता है यार इसमें मतलब ये है कि ये पैराबेन एंड सल्फेट फ्री होता है कि इसमें केमिकल नहीं होते। पहली बात तो आपको शैम्पू ज़्यादा यूज़ होगा जब भी आप बाल वॉश करोगे ना, नॉर्मल आपको आप कोई शैम्पू यूज़ करते हो ना उसका थोड़ा अमाउंट यूज़ करते हो, लेकिन इसका ना आपको थोड़ा ज़्यादा अमाउंट यूज़ करना पड़ेगा जिसकी वजह से ख़त्म जल्दी हो जाएगा। तो इस वजह से मैं कोई अच्छा नहीं लगा। एंड सेकेंड थिंग, आप कंडीशन करते हो ना तो मतलब वैसे आपके बाल अच्छे हो जाते हैं थोड़े, लेकिन अगर आप कंडीशन नहीं करते हो, आप सिर्फ शैम्पू करते हो अपने बालों में, तो आपके बाल थोड़े से फ्रीजी और थोड़े रफ़ टाइप के हो जाते हैं। अभी ये देखो, अभी तो मैंने मतलब वॉश कर रखे थे ये, मैं कंडीशन यूज़ किया है तो थोड़े ठीक भी दिख रहे होंगे ये, लेकिन अगर आप शैम्पू अगर मतलब यूज़ करोगे, कंडीशनर हम डेली यूज़ कर नहीं सकते, बाल वॉश हम डेली कर नहीं सकते, तो फिर वैसे मैंने मतलब कंडीशनर वैसे तो ठीक है, बट अगर कंडीशन ना करो, अगर शैम्पू यूज़ करो सिंगल, तो आपके बाल थोड़े रफ़ और फ्रिजी से हो जाएंगे। और हेयर ऑयल ठीक ही है, मतलब नॉर्मल हेयर ऑयल के जैसा ही है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत इफ़ेक्ट करेगा, बट अगर इफ़ेक्ट करेगा ना, मैं भी इसको यूज़ कर रही हूँ, मुझे 2 मंथ हो गए इसको यूज़ करते हुए, अगर इफ़ेक्ट होता है देन मैं आपको बताऊँगी किससे ये इफ़ेक्ट हुआ, बाय कर लो ना करो, बस ऐसे ना मतलब पैसे वेस्ट नहीं करने चाहिए बिना मतलब मैं तो कर रही हूँ पर आप मत करना। अभी तक मेरे हो चुके हैं तो मैंने सोचा यार जब इतना मैंने मतलब पहले यूज़ कर लिया ना, तो मैं थोड़ा और यूज़ कर लेती हूँ और देख लेती हूँ कि अगर इससे कुछ इफ़ेक्ट होता है तो, अगर हुआ देन मैं आपको बताऊँगी। मैंने मतलब ऐसा नहीं है ना कि हम किसी प्रोडक्ट से वो सीधा हो देंगे जादू की छड़ी घूमेंगे और यूज़ करती है वो, तो मैंने सोचा थोड़ा पेशेंस रखती हूँ, अगर 1-2 महीने में मुझे कुछ दिखता है असर कि हाँ ऐसा हो रहा है तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, और नहीं होता तब भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि हाँ ये आप मतलब यूज़ करो या ना करो, इनको बाय करो या ना करो। तो किसी नेक्स्ट वीडियो में ना मैं दोबारा से इनका मतलब आपके साथ एक जेन्युइन सा रिव्यू शेयर करूँगी। मेरे पास मैं जो भी प्रोडक्ट मंगवा रही हूँ ना, मैं आपके साथ उनके रिव्यू शेयर करती हूँ। मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी मीशो प्रोडक्ट्स के ऊपर, मतलब वो भी मेरे यही था कि मैं आपके साथ शेयर करूँ ताकि आपको पता लग जाए कि आपको ये बाय करनी चाहिए या आपको ये बाय नहीं करनी चाहिए। सो थैंक यू सो मच, और अभी तक बाय मत करो इन्हें, मतलब बाद में मैं बता दूँगी। सो हेलो एंड गुड आफ्टरनून, तो अभी 3:30 हो रहे हैं और बाहर देखो धूप बहुत ज़्यादा अच्छी लगी हुई है आज। अभी मैं चाय वगैरह बनाई और वो मैं अभी चाय देकर आई, और अभी मैं लाई हूँ आइसक्रीम, तो अब हम इसको खाते हैं और फिर मैं उसके बाद मिलती हूँ। चाय तो आज हम नहीं पियेंगे। ये लो, मम्मी सो रही है, आयुष भी सो रहा है, यहाँ सो रहा है, वही खाती हूँ। उठ ले, टड़ा, सो गया दोबारा से। वो देखो यार, अभी ना मैं जस्ट चाय बना के आ रही थी, वहाँ पे देखो एक मोर है, वाह इतना सुंदर लग रहा है यार, इसमें इतने अच्छे से कैप्चर नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे तो मम्मी का ना खाना खाने का आजकल बिल्कुल मन नहीं हो रहा है, लेकिन अभी 5 बज रहे थे और मम्मी ने बोला मुझे मैगी खानी है, तो मैंने मम्मी को ये दे दिए वो सब्जियां वगैरह काटने को, अब काटो और फिर मैं मैगी बनाऊंगी और हम दोनों मैगी खाएंगे, क्योंकि आयुष तो मैगी खाता नहीं, पापा है नहीं, तो मम्मी काट रही है सब्जी और अब मैं बनाऊंगी मैगी। बाय बाय, मैगी खाते खाते मिलते हैं। आज हमने बनाई थी आलू और मटर की सब्जी, पापा थोड़ा काम से गए हैं मतलब खाना वगैरह खा के, अब पापा वापस आएंगे तब तक मैं और मम्मी खा लेंगे खाना, और आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। होप यू लाइक द व्लॉग, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय एंड गुड नाइट।